माशाल्लाह मुफ्ती साहब, थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा लें, थोड़ी सी हल्की सी मुफ्ती साहब लगा लो, वो लगाओ बल्कि बैस नहीं लगा दो। मुफ्ती साहब ये आपके बाल कैसे गिरे? मेरे बच्चे ये इल्म और तकी की वजह से गिरे हैं। तुम मेरी किताबें पढ़ो ना, तुम तो माशाल्लाह आलमा हो। मैं आलमा नहीं हूँ, आप किसने कहा? मैं कंपेरेटिव रिलीजन की स्टूडेंट हूँ। आलम और होते हैं, आलम होते हैं जो मदारस में पढ़ते हैं। पाँच साल मदरसे में पढ़ा है। मुफ्ती साहब आप को मैंने ये कब बोले? अल्लाह हू अकबर, ये बात तो मैंने आपसे नहीं बोली। मुफ्ती साहब लिपस्टिक लगा लें, थोड़ा सा रेड कर लें। नहीं नहीं कोई नहीं, ये बहस नहीं काफ़ी। अच्छा ये बताओ कितने साल मदरसों में पढ़ा है? मैंने मदारस में नहीं पढ़ा, मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से एमएस वो की है, मास्टर की है, और साथ में मैंने अलहुदा इंटरनेशनल से कंपेरेटिव रिलीजन की है, और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से मैं एमफिल कर रही हूँ। तो ये सारा मिला तो कितने साल हो गए? ये मदरसे का वो नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह अभी मैं मदारस किया है। फिर मैंने दो साल में तखसस किया है और वहाँ काजी कोर्स किया है, फिर मैं जामे अज़हर किया हूँ वहाँ। मुफ्ती साहब वो कहते हैं कि जो वो था क्या कहते हैं इब्लीस, तो उसके पास दुनिया में सबसे नहीं मतलब पूरी दुनिया कायनात में सबसे ज़्यादा नॉलेज था ना उसके पास, इब्लीस के पास ना। जामे अज़हर के बारे में मैं दो बातें कह सकता हूँ। जामे अज़हर नहीं, मैं कह रही हूँ कि इब्लीस जो था उसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज था, आपको पता है? फिर भी बिगड़ गया था, राय रात से मतलब भटक गया था। और बात ये है कि ये बात तो अल्लाह का अजाब आया था उस पर। बात सुनो, ये तो कुरान कह रहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा। इब्लीस ना बनो, शैतान मत बनो, मुनाफिक मत बनो, इस्लाम का मजाक मत उड़ाओ। Five. सर फाइव आपने बोला था। आ जाओ।